नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आज बातचीत करेंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए। लगातार उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। उनके मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार कर रखा है, लेकिन कल उसके घर पर रात में जो हुआ वो बेहद ही चौंकाने वाली खबर है, हैरान करने वाली खबर है, जो हम आप दर्शकों को दरअसल बताना चाह रहे हैं। जी हाँ, एसएससी स्कैम का मामला आप जान ही रहे हैं। लोगों को लगा कि ईडी के अधिकारियों ने छापा मारा, लेकिन रात के अंधेरे में पार्थ चटर्जी के घर में घुसे चोर अब बड़े बड़े बैग में भर कर ले गए सारे सामान। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी की इस बीच में जिम्मेदारियां क्या हैं, वो मैं बताऊं, लेकिन ये पूरा मामला एक बार फिर से समझ लेते हैं कि है क्या। पश्चिम बंगाल के मंत्री और एसएससी घोटाले में मुख्य आरोपी पार्थ चटर्जी के दक्षिण 24 बरगन्ना के घर में चोरी का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात उनके घर में कुछ चोर ताला तोड़ कर घुस गए, जिसके बाद वो बड़े बड़े बैग में सामान भरकर निकले। वहीं इलाके के लोगों को लगा कि ईडी के अधिकारी छापा मारने आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल पार्थ की करीबी अर्पिता चटर्जी के दो घरों से करीब 50 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। इसके अलावा उनके घर से 5 किलो सोना भी मिला है, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ मानी जा रही है। इसके अलावा आधा आधा किलो के 6 कंगन भी बरामद किए गए हैं। ईडी लगातार शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में जुटी हुई है। अब दर्शकों को बताया दें कि अर्पिता मुखर्जी ने पूछताछ में खुलासा करते हुए कहा कि उनके घर से जब्त हुआ सभी पैसा पार्थ चटर्जी का है। अर्पिता ने दावा करते हुए ये भी कहा कि पार्थ के कुछ आदमी यहाँ पैसा ला कर रखते थे, साथ ही कभी कभी वो खुद भी आ जाते थे। यानी पूरी खबर आप समझ रहे हैं। आप अर्पिता ने ईडी से पूछताछ के दौरान खुद को निर्दोष भी बताया। उन्होंने कहा कि मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, वो मुझे इस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं देते थे। बता दें पार्थ चटर्जी के निजी सचिव सुशांत आचार्य ने आज फिर ईडी से पूछताछ करेगी। अब इन सब के बीच में ममता बनर्जी का क्या रोल रहेगा? क्या ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है? क्या उन्हें गिरफ्तारियां की जाएगी? ये तमाम सवाल है जिसका जवाब ममता बनर्जी खुद देंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ममता बनर्जी इस वक्त पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रही हैं।